हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से यूपी HESC जो आपका उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन होता है इसके असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। ये एग्ज़ाम आपका 13 नवंबर 2021 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या आपका पेपर पैटर्न रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ASRB नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपनी MSc हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कर ली है, तो एग्रीकल्चर एंड GK प्लेटफॉर्म पर ASRB नेट वेजिटेबल साइंस, ASRB नेट फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, ASRB नेट स्पाइसेस मेडिसिनल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्राफ्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे कोर्सेज में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और लास्ट ईयर 75 स्टूडेंट्स ने हमारी कोचिंग से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, ASRB नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो अगर आपको भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप एग्रीकल्चर एंड GK इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट से ये कोर्सेज बाई कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है आपका पेपर जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए हुआ था। मैं आपको पहले पेपर का पैटर्न बता देता हूँ। जो आपका पेपर आता है इसमें आपके दो सेक्शन होते हैं, पहला होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके 60 मार्क्स के होते हैं। पार्ट टू में आपका जो है हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके कुल 70 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके 140 मार्क्स के रहते हैं। कुल पेपर आपका रहता है 200 मार्क्स का और कुल प्रश्न इसमें आते हैं 100, और कुल टाइम आपके पास होता है 2 घंटे का। पेपर आपका हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस। तो इसका जो उत्तर आपका है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिकेड्स हैज बीन डेसिग्नेटेड एज दी डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011 से 2020 तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस। निम्न में से कौन सा खाद्य कवक है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एगेरिकस। एगेरिकस जो आपका होता है ये खाने वाला फंगस है, इसको हम लोग खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर स्टांसियस। स्टांसियस क्या होते हैं, वास्ट कैटल फार्म इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म को स्टांसियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेरनोबिल ट्रेजेडी वाज रिलेटेड। चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारक से संबंधित थी। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिच रिचर। जैव विविधता निम्नलिखित में से किसमें अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सेड देयर इज अनदर थिंग मोर पायस देन कांग्रेस एंड दैट इज फ्रीडम ऑफ इंडियंस। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता।
क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कंसाइडर्ड दी देन स्वराज पार्टी एज दी मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्कन हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित शैल का रूप नहीं है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज द सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीज। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हेन रेनफॉल इज हैवी। जब भारी वर्षा होती है तब आपका महासागर की लवणता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली रेंज इज एसोसिएटेड विथ विच ओरोजिनी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलिडोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबो, जिसमें आपका जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आर लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विथ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। इसका उत्तर ऑप्शन सी है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो आपका आर्टिकल 48A है उसका संबंध जो है आपका वन और वन्य जीवों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आपका वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस इज प्रोवाइडेड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 20 ब्रैकेट में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1944 लीडिंग बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा बीडी बिरला पुट फॉरवर्ड अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया दैट प्लान इज नोन एज। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों जेआरडी टाटा जीडी बिरला और अन्य ने भारत के आर्थिक विकास हेतु एक योजना प्रस्तावित की, उस योजना को क्या कहा जाता है। 16 का जो उत्तर आपका है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मिशन ऑफ नासास न्यू स्पेसक्राफ्ट निया स्कॉट। नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम दी एस्ट्रॉइड नियर अर्थ। पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना, ये इसका मेन पर्पज है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट उत्तर प्रदेश दिवस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2018 में। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ द्वारा विकसित COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है। 19 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
डिपकोवाइन, डिपकोवाइन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का है, इसमें आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। चलो इसको मैच करते हैं। जो आपका केरला है इसमें आपका आ जाएगा एथलेटिक्स, और जो आपका बी है ये आपका पहुँच जाएगा आंध्र प्रदेश से, पहुँच जाएगा आपका बैडमिंटन में। फिर नेक्स्ट क्या है, हरियाणा ये आपका पहुँच जाएगा रेसलिंग में, उत्तर प्रदेश आपका पहुँच जाएगा कबड्डी में। तो ये जो है पॉपुलर स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया था इस क्वेश्चन में, स्टेट और उनके पॉपुलर स्पोर्ट्स के बारे में। तो जो आपका केरला है उसमें एथलेटिक्स फेमस है, और आंध्र प्रदेश में आपका बैडमिंटन, हरियाणा में आपका जो है रेसलिंग हो गया, उत्तर प्रदेश में कबड्डी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू स्कूल बैग पॉलिसी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्या है, द चेंज दैट टेक प्लेस इन आ स्टूडेंट बाई टीचिंग इज रिप्रेजेंटेड इन देयर, शिक्षक द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके। क्वेश्चन नंबर जो आपका 22 है इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीट्यूड में। नेक्स्ट क्या है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इन साइकोमोटर डोमेन वास प्रोपाउंडेड बाई, मनोज्ञात्मक क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। 23 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हैरो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैक, नैक का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जो नैक होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर्ड, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जुलाई 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, आ डायनेमिक पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट एम टुवार्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन कैंपसेस इज नोन एज, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिषद में महिलाओं को सशक्तिकरण करना है को जाना जाता है। तो जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सक्षम, सक्षम नाम की जो है एक पोर्टल है यूजीसी की। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? 27 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विंडो 98। नेक्स्ट क्या है, 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है, ये आपका जो है 1024 GB, गीगाबाइट के समतुल्य होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज कुकीज, 29 का जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल हैविंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम इज यूज्ड फॉर विच पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंक्रोनस यानी कि समकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट हैविंग कार्बोहाइड्रेट इन असेंडिंग ऑर्डर, फलों का क्रम जिसमें कार्बोहाइड्रेट बढ़ते क्रम में पाया जाता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डूरियान, बनाना, डेट पाम, एप्रिकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट फ्रूट ऑर्डर हैविंग एंटीऑक्सीडेंट इन एसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, फलों का क्रम जिसमें एंटीऑक्सीडेंट क्रम घटते क्रम में पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोम ग्रेनेट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
विच वन मेडिसिनल प्लांट इज टर्म्ड एज अमृता, किस औषधि पौधे को अमृता की संज्ञा दी गई है। 33 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CIAH हाइब्रिड वन ऑफ बेर इज क्रॉस बिटवीन। 34 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेब क्रॉस कथा। जो आपका CIAH है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर जो आपका बीकानेर में पड़ता है वहाँ की निकाली गई बेर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेब इज अ पॉपुलर वैरायटी ऑफ। 35 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बेर। बेर जो है बेर की एक वैरायटी है सेब। ये वैरायटी होती है, इसका आकार आपका सेब के टाइप का होता है, ये काफ़ी बड़ा बेर होता है और इसीलिए इस वैरायटी का नेम सेब है, ये बेर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूनिंग ऑफ बेर इज डन ड्यूरिंग डैश 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 इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में बेर में कर्तन किस माह में करते हैं। तो जो आपका बेर में कटाई छटाई होती है उत्तरी भारत में, ये आपकी जो है मई के महीने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किनो अ हाइब्रिड ऑफ किंग क्रॉस विलो लीफ इज इवॉल्व्ड एज डेविस कैलिफोर्निया इन ईयर 1935 बाई किंग और विलो लीफ के संकरण से उत्पन्न संकर किनो कैलिफोर्निया के डेविस में 1935 में किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एच बी फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश 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 इज नोन एज क्वीन ऑफ द नट्स, नट की रानी किसे कहा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीकन नट को कहते हैं, नट की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिटिल लीफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन पीकन नट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। लिटिल लीफ जो आपका कारकीय विकार होता है पीकन नट का, ये किस तत्व की कमी से होता है। ये आपका होता है जिंक की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी हैविंग विगरस नट इन पीकन नट, निम्नलिखित में से कौन से पीकन नट की वैरायटी सबसे बड़े नट की प्रणाली है। 40 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल कर्नल्ड वैरायटी ऑफ आलमंड विच इज ऑलमोस्ट राउंड शेप इज, बादाम की डबल गिरदी प्रजाति जो लगभग गोल होती है, उसका नेम क्या है। उसका नेम आपका हो जाएगा फ्रा गोइलियो ग्रेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेनियल बल्बस प्लांट यूज्ड एज स्पाइस इज, बहुवर्षीय बल्बस पौधा जिसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एलियम पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्स आइडियल एंड जेड क्रॉस आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, हिल आइडियल एवं जेड क्रॉस उन्नत प्रजातियां हैं, ये आपकी वैरायटियां हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंगो पूसा अरुणिमा इज क्रॉस बिटवीन, आम की पूसा अरुणिमा प्रजात किसके संकरण से विकसित की गई है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्रपाली क्रॉस सेनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड लाइट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर डैश 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 इन माइक्रो प्रोपोगेशन, लाल प्रकाश माइक्रो प्रोपोगेशन में किसके लिए गुणकारी है। 45 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रूट डेवलपमेंट के लिए लाल प्रकाश जो है काफ़ी गुणकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलक्की इज अ वैरायटी ऑफ बनाना हैविंग पेपर पील इज डैश 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 इन नेचर थ्रॉट इट इज सीडलेस, जो आपकी इलक्की नाम की पेपरलेस वैरायटी होती है केले की, ये आपकी जो है डिप्लॉइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पपाया पूसा ड्वार्फ इज, पपीता की पूसा ड्वार्फ प्रजाति होती है, ये आपकी होती है डायोइसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, M29 इज एन अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल
विच हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रॉट क्रॉस बिटवीन? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, M9 क्रॉस M13। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सीडेड ऑफ कुकुरबिटेसियस वेजिटेबल? निम्नलिखित में से कौन सी एकल बीज कद्दू वर्गीय सब्जी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेचियम एड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड हैज बीन यूज टू डेवलप प्रमालिनी एंड विक्रम वराइटीज ऑफ कागजी लाइम? कागजी नींबू की प्रमालिनी एक एवं विक्रम प्रजातियों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि उपयोग में लाई गई थी? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोनल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है, दी जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोल्डलेस अल्टा फोर्ट बनाना इज 51 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 टाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो हाइब्रिड वराइटी हैज ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंस एंड इट फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन इंडिया? 52 का जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्का रक्षक। क्वेश्चन नंबर 53, मिडो ऑर्चर्डिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांटिंग दी प्लांट्स एट अल्ट्रा रो स्पेसिंग एंड एकोमोडेट डैश 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 प्लांट पर हेक्टेयर। मीडो बागवानी पद्धति में पौधरोपण अति कम दूरी पर निहित होता है और इसमें प्रति हेक्टेयर कितने पौधे समायोजित किए जाते हैं, ये पूछा गया है इसमें। इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 30,000 से 1 लाख पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम? 54 का उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्मेरिक ब्लैक पेपर पोटैटो बनाना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ डीएनए मार्कर? निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए मार्कर नहीं है? 55 का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी रिजुवेनेशन ऑफ ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट्स इंटू प्रोडक्टिव प्लांट्स कैन बी डन बाई पुराने अनुत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि द्वारा बदला जाता है? 56 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉप वर्किंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकूलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर? हाइड्रोकूलिंग निम्न हेतु सबसे उपयुक्त है? 57 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लीफी वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड फार्मर कनेक्ट पोर्टल टू प्रोवाइड ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स? किसानों द्वारा निर्यातकों के बीच खाई को पाटने के लिए ICT समाधान प्रदान करने के लिए किसान कनेक्ट पोर्टल को किसने विकसित किया? 58 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एपेडा। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर शेयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज टू विच कंट्री? भारत से फल एवं सब्जियों के निर्यात का प्रमुख हिस्सा किस देश से है? 59 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। नेक्स्ट क्या है, विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गॉट GI टैग फर्स्ट इन इंडिया? 60 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दार्जिलिंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चश्माशाही इन श्रीनगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गार्डन? श्रीनगर में चश्माशाही किस प्रकार के बगीचे का उदाहरण है? 61 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? 62 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्या है, बोटेनिकल नेम ऑफ 21st सेंचुरी वेजिटेबल इज? 21वीं शताब्दी की सब्जी का वनस्पतिक नाम? इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सैरोपस एंड्रोगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल
वेंटिलेशन ओपनिंग ऑफ नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस शुड नॉट बी लेस देन डैश 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 परसेंट ऑफ फ्लोर एरिया। प्राकृतिक रूप से स्वचालित हरित गृह के कुल क्षेत्रफल का संवातन के लिए खुला क्षेत्र डैश 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 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 64 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्या है, द रिकमेंडेड थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक मल्च फिल्म फॉर स्ट्रॉबेरी कल्टिवेशन इज। 65 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 20 to 30 माइक्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टर्ड एप्पल रूट स्टॉक सुटेबल फॉर वेट और स्वाम्प कंडीशन इज। 66 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एनोना ग्लेब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटेनिकल नेम ऑफ कुकुम्बर ट्री इज। 67 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एवारोहा बिलिम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द केमिकल प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ सैफरन इज। 68 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोपिन इज बायोलॉजिकली अवेलेबल इन। लाइकोपिन जैव रूप से उपलब्ध होती है। 69 का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉई इज आयन फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। 70 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तारो या कोलोकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोइट्रोजन इज फाउंड इन। जो आपका गोइट्रोजन होता है ये आपका जो है जो पात गोभी कैबेज होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल वाज। ताजमहल जो है आपका इसके आर्किटेक्ट कौन थे, शाहजहां थे। नेक्स्ट क्या है, विच प्लांट पिगमेंट इज फाउंड इन द पेटल ऑफ मैरीगोल्ड। गेंदे की पंखुड़ियों में कौन सा प्लांट पिगमेंट पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है ऑल ऑफ द अबो, मतलब आपका मीजोजैंथोफिल, जैंथोफिल, क्लोरोफिल, ये सभी पाए जाते हैं मैरीगोल्ड की पेटल्स में। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज फाउंड इन विच वेजिटेबल। 74 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैरट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायोस्कोरिया एलाटा इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ विच वेजिटेबल। 75 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेटर याम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवर्स ऑफ फ्रूट ट्रीज और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स। 76 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, RFLP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइसोलेटेड सिंगल कॉपी ऑफ अ जीन इज क्लोन टू ऑब्टेन इट्स इंडेफिनिट आइडेंटिकल कॉपीज इज नोन एज। 77 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट क्या है, विच सेल्स टिश्यू यूनिट ग्राफ टू प्रोड्यूस न्यू सैपलिंग्स। 78 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरेन्काइमा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश गुनिया इज पॉपुलर वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। 79 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्टर्ड एप्पल। नेक्स्ट क्या है, हेवयार्ड मोंटी टोमुरी ब्रूनो एलिसन वैरायटीज बिलोंग टू। 80 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दी लो कल्टीवर ऑफ पियर फॉर डिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्फ लाइफ। 81 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सैंड पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट रेगुलेट द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। 82 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज आल्सो नोन एज सेप्च्यूल। रोपड़ के निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सेप्च्यूल के नाम से जानी जाती है। 83 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हेक्सागोनल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन इज सिचुएटेड एट। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन स्थित है
84 का उत्तर आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वर्टिकल गार्डन डिजाइनर इज, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वर्टिकल गार्डन डिजाइनर हैं। 85 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैट्रिक ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम अस्तित्व में आया, ये आपका अस्तित्व में आया था 2006 में। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉमन एडिटिव्स एडेड इन दी प्रिपरेशन ऑफ मिनिमली प्रोसेस्ड फूड फॉर दी रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी इज, 80 जो आपका नाइन सॉरी जो आपका 87 क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेक्टिन इन दी एक्सट्रैक्शन इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस अ गुड जेली, 88 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.521%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एट नेशनल लेवल इन 2020-21, राष्ट्रीय स्तर पर बागवानी फसलों का उत्पादन 2020-21 में कितना है, ये आपका था 329.86 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोल एसिटिक एसिड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, 90 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन ऑफ फिग फ्लावर बाई दी ब्लास्टोफेगा वार्प टेक प्लेस थ्रॉट, 91 का जो उत्तर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्रिफिकेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम परागरण। नेक्स्ट क्या है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन, 92 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटका एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट गिव मैक्सिमम कैलोरीज पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल मैटर, 93 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डेट पाम। नेक्स्ट क्या है, ट्रिस्टेजा इज द वायरस डिजीज ऑफ, ट्रिस्टेजा जो आपका होता है ये आपका सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस ग्रैंडिस, इन सभी का जो है वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपल सिग्मोइड कर्व इज प्रेजेंट इन विच फ्रूट, 95 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कीवी। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीसीज, 96 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रस ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीड रेट ऑफ स्टोविया फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर इज, 97 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 ग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट हैविंग फैट कंटेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, 98 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पिस्टेचियो नट, एलमंड एप्री सॉरी एलमंड वॉलनट पीकन नट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, टेंट्यूरियर कैरेक्टर इज फाउंड इन ग्रेप वराइटी, 99 का उत्तर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पूसा नवरंग। नेक्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्रूट हैविंग विटामिन ए इन असेंडिंग ऑर्डर, फलों का सही क्रम जिसमें विटामिन ए बढ़ते क्रम में पाया जाता है, 100 का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परसिमॉन, डेट पॉम, पपाया, मैंगो। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हार्टिकल्चर वाला, उसका शॉर्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी हार्टिकल्चर की क्लासेस मिल जाएंगी, उन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ASRB नेट के पेपर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, उनको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई हैं। और आप हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड GK ऐप पर, आपको ASRB नेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हार्टिकल्चर स्ट्रीम में उनके सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। ICR JRF का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है हार्टिकल्चर का, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।